चेंज फाइनेंशियल ईयर इन बिजी, कैसे बिजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के पीरियड को इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के पीरियड को भी फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं। इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे कि कैसे बिजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। उसके लिए बिजी में एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करके चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है और सारे मास्टर विद बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर करना है, देन स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन बिजी में और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू ईयर ओनली डोंट कैरी बैलेंसेस, मींस विदाउट बैलेंस अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। इस फीचर की हेल्प से सिर्फ मास्टर कैरी फॉरवर्ड होंगे लेकिन विदाउट बैलेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से आइटम के कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम मास्टर टू बी कैरीड, इस फीचर की हेल्प से कौन से आइटम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑल सेलेक्ट करेंगे देन सारे आइटम मास्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो होंगे। सेकेंड है क्लोजिंग बैलेंस, इसको सेलेक्ट करेंगे देन जिस आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा सिर्फ वही मास्टर कैरी फॉरवर्ड होंगे। और इसी में लास्ट है मूव्ड और क्लोजिंग बैलेंस, इट मींस ऐसे आइटम्स जिसको यूज किया है फिर चाहे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जीरो ही क्यों ना हो, या ऐसे आइटम जिसका क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है वो सारे आइटम्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अकाउंट्स में भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिल्टर लगा सकते हैं कि आइटम और अकाउंट्स ऑल कैरी फॉरवर्ड करना है या सिर्फ जिसके क्लोजिंग बैलेंस है या जिसको मूव या यूज किया हो और बैलेंस जीरो भी क्यों ना हो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज होने का। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मास्टर फाइनेंशियल ईयर चेंज होने में टाइम लगेगा। और इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। अब यूजर को अगर फाइनेंशियल ईयर स्विच करना है देन F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पर स्विच हो जाएंगे। और अगेन सेम एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे और प्रीवियस ईयर में पेंडिंग इनपुट टैक्स है देन कैरी पेंडिंग ITC एंट्री पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से पेंडिंग ITC नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर बैंक की कोई एंट्री पेंडिंग है रिकंसिलेशन में, उसको भी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कैरी बैंक रिकंसिलेशन एंट्रीज पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से बैंक की कोई भी पेंडिंग एंट्रीज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंजेस किए हैं और उसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आना चाहिए, देन उस केस में इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। इसमें अगेन अगर फुल फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है देन ऑल मास्टर पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ चेंज की हुई डिटेल्स ही कैरी फॉरवर्ड करना है देन न्यू एंड चेंज फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे। और अकाउंट और आइटम मास्टर के अंदर की कोई डिटेल्स चेंज की है, फॉर एग्जांपल अकाउंट मास्टर में किसी पार्टी का एड्रेस चेंज किया है या किसी आइटम मास्टर का HSN कोड चेंज किया है, देन उस केस में इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो न्यू एंड चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन से आपका टाइम बहुत सेव होगा और एवरी टाइम आपको फुल फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो इसी प्रोसीजर के साथ बिजी में चेंज फाइनेंशियल ईयर के प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले डेटा का बैकअप जरूर ले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।